नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार के सफाई कर्मी रामबाबू को लगा पहला टीका। बिहार समेत पूरे देश में आज से कोरोना के टीकाकरण का काम शुरू हो गया है, जिसके तहत आज सबसे पहला टीका IGIMS के सफाई कर्मी रामबाबू को लगाकर इसका शुभारंभ किया गया, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आधिकारिक रूप से की। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में आज टीकाकरण की शुरुआत की गई। राज्य सरकार भी पूर्ण रूप से तैयार है, जिसके बाद आज राज्य भर में कुल मिलाकर 30,000 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पहला टीका रामबाबू को दिया गया, वहीं दूसरा टीका एम्बुलेंस चालक अमित कुमार को दिया गया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कई पदों के लिए निकाली रिक्तियां। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कुल मिलाकर 5,000 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदकों के पास मैट्रिक की योग्यता रखना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28/2/2021 तक आवेदन भर सकते हैं। आवेदकों की सहूलियत के लिए आधिकारिक वेबसाइट LICIndia.in भी जारी कर दिया गया है। वहीं पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर भी क्लिक कर सकते हैं। बिहार विधानसभा में ड्रेस कोड का पालन नहीं करने वालों की अब खैर नहीं। बिहार विधानसभा में ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बाबत विजय कुमार सिन्हा ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन सेंट्रल हॉल में सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए साफ कहा है कि बिहार विधानसभा बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां से मुझे और हमारे माननीय विधायकों को जनसेवा का मौका मिलता है। उन्होंने सभी कर्मियों को अपने जीवन में अच्छे चरित्र और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। अनुशासनहीन आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्होंने ये बात भी कही। सदस्यों से सम्मानजनक व्यवहार तथा ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य रूप से करने का आदेश जारी किया है। युवा कर्मियों को उन्होंने स्वामी विवेकानंद की बात उठो जागो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, यह बात कहकर उत्साहित भी किया। बिहार में टीकाकरण की है विशेष तैयारी। बिहार में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं बिहार में टीकाकरण की प्रक्रिया का खास इंतजाम भी किया गया है। राजधानी पटना के 16 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, बिहार में वैक्सीन मुहैया करवाने की खास तैयारी की गई है, जिसके तहत एक व्यक्ति को आधा ML वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को सुबह ही संबंधित अस्पतालों में पहुंचने का निर्देश दे दिया गया था। DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने टीकाकरण केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। टीका लगने के आधा घंटे तक संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल में ही रखकर निगरानी की जाएगी, ताकि पता चल सके कि कहीं रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। बिहार की साइकिल गर्ल बनी नशा मुक्ति की ब्रांड एम्बेसडर। दिल्ली से अपने पिता को साइकिल पर लाकर बिहार पहुंची ज्योति आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। वहीं ज्योति का नाम अब एक और कार्य से जुड़ गया है। मेरी जानकारी के अनुसार ज्योति को ड्रग पर पूर्ण विराम लगाने की जिम्मेदारी सौंपते हुए इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। इसको लेकर सार्वजनिक सुरक्षा निदेशक दयानिधान पांडे ने कहा है कि ज्योति मजबूत इरादा और हौसला दिखाते हुए अपने बीमार पिता को साइकिल से लेकर घर पहुंची। इस सराहनीय कार्य के लिए ही उसे समाज कल्याण विभाग ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। श्री पांडे ने शुक्रवार को ज्योति को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित भी किया। सम्मान के रूप में उसे 50,000 का चेक के साथ टैब और ट्रैक सूट दिया गया है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर ऐप का इस्तेमाल करने वालों की तादाद है लाखों में। बिहार में अब धीरे धीरे करके आम जनता भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर ऐप का उपयोग करने में जुट गई है। जानकारों की माने तो बिहार में अब तक कुल मिलाकर 1,00,000 उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर ऐप का उपयोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उपभोक्ता हर तरह की जानकारी आसानी से हासिल कर ले रहे हैं। आपको बता दें, उपभोक्ताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस ऐप का इस्तेमाल iOS और Android दोनों यूजर के लिए उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से आप अपना प्रोफाइल, दैनिक जानकारी में तत्कालीन उपयोग और रीडिंग, उपयोग का स्वरूप, भुगतान की सुविधा, बिजली बिल की जानकारी ले सकते हैं। पंजीकृत उपभोक्ता चाहे तो वो प्रीपेड मीटर को इससे रिचार्ज भी करवा सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे महाराज रामेश्वर सिंह की। महाराज रामेश्वर सिंह का जन्म आज ही के दिन दरभंगा जिले में हुआ था। महाराज सर रामेश्वर सिंह ठाकुर 1898 से उनकी जान जाने तक मिथिला क्षेत्र के दरभंगा के महाराजा थे। वो अपने बड़े भाई महाराजा सर लक्ष्मेश्वर सिंह के गुजर जाने पर महाराज बने थे। उन्हें 1878 में दरभंगा, छपरा और भागलपुर में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हुए भारतीय सिविल सेवा में नियुक्त किया गया था। उन्हें दीवानी न्यायालयों में उपस्थिति में छूट दी गई थी और उन्हें 1885 में बंगाल विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया था। बिहार बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल के छात्र पहली बार देख रहे हैं प्रयोगशाला। बिहार बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल
के छात्र पहली बार प्रयोगशाला देख रहे हैं, जिसके तहत कई छात्रों के यही सवाल है कि सर लेंस क्या होता है, लिटमस पेपर का क्या करना है, माइक्रोस्कोप मशीन कैसी दिखती है, क्या इसे देखने पर कोई चीज बड़ी दिखती है। जिसके बाद शिक्षक इस बात को लेकर परेशान है कि छात्रों को लैब में रखे या प्रैक्टिकल परीक्षा ले और इंस्ट्रूमेंट की जानकारी दे। यह स्थिति कोई एक परीक्षा केंद्र की नहीं बल्कि ज्यादातर की है। छात्र इंटर प्रायोगिक परीक्षा में शामिल तो हो रहे हैं लेकिन उन्हें लैब के सामान की जानकारी ही नहीं है। इसका कारण है कि कोरोना के कारण मार्च 2020 से स्कूल बंद रहे हैं, स्कूलों में 12वीं कक्षा की पढ़ाई नहीं हुई है, छात्रों को स्कूल में एक भी दिन लैब में प्रयोग नहीं करवाया गया है। बीपीएसएससी ने दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक परीक्षा के रिजल्ट किए जारी। बीपीएसएससी ने दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा बीते दिन कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जारी रिजल्ट के मुताबिक दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के पद के लिए 15,231 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। इससे पहले मुख्य परीक्षा के लिए करीब 50,076 परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए थे। इसमें 2,446 पदों पर नियुक्ति होनी है। इतना ही नहीं, आयोग की तरफ से भूतपूर्व सैनिक के कोटे से सहायक जेल अधीक्षक के 42 पदों के लिए 453 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा। बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडर की होगी बहाली। बिहार पुलिस में अब ट्रांसजेंडर की बहाली जल्दी होने वाली है। इसको लेकर राज्य सरकार ने निर्णय जारी कर दिया है। सिपाही भर्ती के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। सिपाही और दरोगा की सीधी नियुक्ति में इनके लिए पद आरक्षित रहेंगे। हालांकि वर्दी पाने के लिए इन्हें भी लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करनी होगी। इसको लेकर गृह विभाग ने संकल्प जारी किया है। संकल्प के मुताबिक सिपाही और दरोगा के पद पर भविष्य में होने वाली नियुक्ति में ट्रांसजेंडर के लिए पद आरक्षित होंगे। दोनों ही रैंक में प्रत्येक 500 पद के एक पद ट्रांसजेंडर के लिए होंगे। बाकी अभ्यर्थियों के समान ही इन्हें भी लिखित और शारीरिक परीक्षा देनी होगी। हार्दिक और कृणाल पांड्या के पिता ने दुनिया को कहा अलविदा। टीम इंडिया के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के लिए आज एक बुरी खबर सामने आई है। हार्दिक पांड्या और कृणाल के पिता हिमांशु पांड्या की अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण जान चली गई है, जिसकी जानकारी दोनों भाइयों ने ही दी है। आपको बता दें, फिलहाल कृणाल पांड्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे और टीम बड़ौदा की कप्तानी भी कर रहे थे, लेकिन इस खबर के बाद मैनेजमेंट ने उन्हें बायो सिक्योर बबल से बाहर जाने की अनुमति दे दी थी और वो जल्द घर पहुंच गए थे। हार्दिक पांड्या भी 12:30 बजे के लगभग वडोदरा पहुंचे थे, जिसके बाद अब टीम की कप्तानी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की अगुवाई जाधव करने वाले हैं। सशक्त महिला सक्षम महिला के तहत कार्यालयों में शीर्ष पदों पर 35% महिलाओं की होगी तैनाती। बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालय में शीर्ष पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी को और ज्यादा बढ़ावा देने की शुरुआत अभी से हो जाएगी। सरकारी नौकरियों में मिले 35% आरक्षण के अनुरूप इस लक्ष्य को तय किया गया है। साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत सशक्त महिला सक्षम महिला योजना को धरातल पर उतारने के लिए सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों के प्रमुख के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम रेंज, आईजी, डीआईजी और एसपी को पत्र जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य की सेवाओं में सभी स्तर और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्गों की महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। राजद की मंथन बैठक होगी जल्द। राजद की प्रदेश कार्यकारिणी की आज प्रस्तावित बैठक है। इस बैठक में बूथ, यूथ और किसानों के मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। विचार मंथन के बाद निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर पार्टी इस मामले में अगला कदम बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही मानव श्रृंखला की तैयारी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की धन्यवाद यात्रा की रूपरेखा भी प्रदेश कार्यकारिणी को तय करनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार मीटिंग में प्रदेश समिति के पदाधिकारी संगठन की मजबूती के लिए जरूरी फीडबैक दे सकते हैं। खासतौर पर विधानसभाओं में बूथ कमेटियों के गठन के संदर्भ में खास चर्चा होगी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बताया है कि किसानों और युवाओं की समस्याओं को लेकर पार्टी खासी चिंतित है। बिहार बोर्ड ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 का जारी किया एडमिट कार्ड। बिहार बोर्ड ने आज फरवरी महीने में होने वाली इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड आज से अपलोड किए जाएंगे और 31 जनवरी तक ये अपलोड रहेंगे। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा 1 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 के बीच आयोजित की जाएगी। ये सभी एडमिट कार्ड को शिक्षण संस्थानों के प्रमुख अपने यूजर आईडी पासवर्ड के जरिए वेबसाइट से अपलोड कर सकेंगे। कौन बनेगा करोड़पति के ग्रैंड फिनाले में होगा कारगिल वीरों का सम्मान। कौन बनेगा करोड़पति का 12वां सीजन अब अपने अंतिम पड़ाव में है। वहीं अंतिम पड़ाव में ही कारगिल हीरो सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय सिंह के सम्मान के साथ समाप्त होगा। परमवीर चक्र विजेता दोनों कारगिल हीरो केबीसी ग्रैंड फिनाले एपिसोड का हिस्सा होंगे और अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठेंगे। 15 जनवरी को सेना दिवस के मौके पर सोनी टीवी ने केबीसी के प्रोमो में इसकी जानकारी दी थी। इसके साथ ही सेना के धुन वाला वीडियो भी इसमें शेयर किया।
किया गया है। सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में चैनल की तरफ से जानकारी दी गई है। हम भारतीय सेना के अदम्य साहस को सलाम करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडर को शामिल करने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।